मारतामको कट्टर बोटे होकान्दाङ तारी खेतमा धान रोपण कार्यक्रम सम्पन्न। यस इकाइको विकास हेतु 1,00,000 रुपियाँको धनराशि प्रदान गर्ने राज्यपालको घोषणा। राज्यका महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले मङ्गलबार गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रको मारताम ग्राम पञ्चायत इकाइ अन्तर्गत होकान्दाङ तारी खेतमा वृहत भेटी धान रोपाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। सिक्किम सरकारको कृषि तथा बागवाणी विभाग एवं पश्चिम जिल्ला प्रशासनको संयुक्त आयोजनमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुभएका राज्यपालले यसै ग्राम पञ्चायत इकाइको विकास हेतु आफ्नो तर्फबाट 1,00,000 रुपियाँको धनराशि प्रदान गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। भविष्य कृषि हो अनि कृषि भविष्य हो भन्ने उद्देश्यका साथ मङ्गलबार सम्पन्न कार्यक्रममा राज्यपालले यहाँको बेठी साथै धान रोपण कार्यक्रमको आनन्द लिँदै आफूले पनि हलोको अनौ समाउन अवसर पाएका छन्। यस अवसरमा क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री लोकनाथ शर्मा, जिल्ला सम्बन्धित विभागका अधिकारी लगायत स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। रङ्गारङ्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको यस भेटीको अवसरमा विभिन्न स्वयं सहायता समूहद्वारा विभिन्न उत्पादक प्रदर्शनी एवं बिक्रीका निम्ति राखिएको थियो, जसको मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपालद्वारा अवलोकन गर्नुभएको थियो। पछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले अति सुन्दर अनि मनै लोभ्याउने मारतामको यस भूमिमा आयोजित यस भेटी कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा अति नै हर्ष लागेको बताउँदै यो क्षण आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुखद क्षण रहेको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। देश एवं राज्यमा कृषकहरूको योगदानबारे प्रकाश पार्दै यो धान रोपाई केवल रोपाई मात्र नभई कृषि उत्सव रहेको बताउनु भएको छ। यस प्रकारको कार्य संस्कृतिले हामीलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने विचार व्यक्त गर्दै कृषकहरूमा खुसियाली भए मात्र देशमा खुसियाली छाउने जनाउनु भएको छ। आफ्नो सम्बोधनमा महामहिम राज्यपालले प्रधानमन्त्री फसल बिमा योजना लगायत विविध कृषि योजनाबारे पनि प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समष्टि विधायक तथा मन्त्री लोकनाथ शर्माले यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा महामहिम राज्यपालप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको मार्गदर्शनमा यस कार्यक्रमको आयोजना गर्न सफल भएको मन्तव्य राख्नुभएको थियो। उहाँले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले 4 वर्षको कार्यकालमा गेजिङ बर्मेक समष्टिमा गरेका उल्लेखनीय विकासबारे पनि प्रकाश पार्नुभयो। स्थानीयहरूको उपस्थितिमा पारम्परिक रूपमा आयोजित रङ्गारङ्ग धान रोपाई कार्यक्रम खुबै आकर्षक अनि रोचक रहेको थियो। मेरो शब्दहरूलाई अघि बढाउन भन्दा अघि म भन्न चाहन्छु कि बिहानको मेरमेरे उज्यालोको एक गिलास पानी तातो चिया देखि रात्रि भोजन सम्म हामीलाई भोजन जुटाउन हाम्रो अन्नदाता कृषक समुदायलाई नमन गर्दछु, अभिनन्दन गर्दछु। कृषि अनि कृषकको सम्बन्ध दूध पानी है। हुन्छु पहिले छुटाउनु नसक्ने जसरी एउटो आमाले नानीको स्याहार सुसाहार गर्छिन्, पल मलमा नानीको प्रत्येक लीलाहरूमा रमाउँछन्, नानीको पीडमा व्यथित बनछिन्, त्यसरी नै हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू खेतमा ल अन्न अन्नबाली देख रमाउँछुन्, बसल बिगरिन्दा दुखी हुन्छन्। यो सम्बन्ध केवल आर्थिक दृष्टिले मात्र रसाईको हुँदै यो भावनात्मक रूपले जोडाएको हुन्छ। आजको यो रोपाई कार्यक्रम खालि रोपाई मात्र नभएर यो एउटा कृषि उत्सव हो। हामी मनाई सभ्यतालाई नबचाएर राख्न एक अतुलनीय कार्य हो। एउटा यस्तो कार्य संस्कृति जसले हामीलाई जीवित राख्नको साथ साथै हाम्रो राज्यको उन्नतशील कृषकहरूको मेहनत अनि सङ्घर्षको
संकेत दिएको छ। यह एक ऐसी पद्धति है जो हमारे महान देश को बुनियादी मूल्यों से जुड़ी हुई है। एक ऐसे देश की जिसने हमेशा कृषि के महत्व को महसूस किया और महत्व भी दिया। हम उस देश के निवासी हैं जहां 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। तेरे किसान भाइयों, जब हम आजाद हुए उस समय भी महात्मा गांधी जी ने कहा था 80% हम गांव में रहते हैं, यह देश गांव का है। अगर हमें देश को उठाना है हमें गांव को उठाना होगा। गांव उठेगा फिर देश उठेगा। तो गांव कैसे उठेगा? गांव की मूल आधार, वहां का खेती, वहां का इंडस्ट्री, वहां का उद्यम कृषि है। कृषि के लिए नए नए तकनीक चाहिए, नए नए रिसर्च चाहिए। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है तो उसकी पहचान होती है। गांव के किसान ये अन्नदाता है। अन्नदाता के पास यदि पैसा होगा, उसके पास खेती होगी, उसका उपज होगा, उसका ठीक से प्रोडक्शन होगा, उसको अच्छा मार्केट मिलेगा, तब खुशहाली आएगी। और जब उसकी खुशहाली आएगी तो व्यापार बाजार में जाएगा तो उसी पैसे से कपड़ा भी खरीदेगा, अच्छे स्कूल भी चलेंगे, अच्छे इंडस्ट्री भी चलेंगे। वो तभी हो पाएगा जब किसान खुशहाल होगा। किसान अपने गांव में प्रोडक्ट पैदा करता है लेकिन उसके प्रोडक्ट को ले जाने के लिए सड़कें नहीं रहती। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने लोकप्रिय कृषि मंत्री जी को, माननीय लोकनाथ शर्मा जी को। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए मैं बहुत इनको बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके प्रोडक्ट शहरों तक पहुंच सके। और अभी मुझे प्रसन्नता है, आपने भी देखा होगा अखबारों में नए नए उत्पादन जिससे अच्छा मार्केट मिले, अच्छा पैसा मिले, किसान की खुशहाली मिले। इसके लिए अभी आप काश्मीर में भी जाकर श्रीनगर में हमारी सैफरान की खेती हो, हमारे एप्पल के कुछ नए, हमारे नए नए रिसर्च आ रहे हैं। माध्यम से किसान को खुशहाल बनाना और किसान के माध्यम से राज्य को खुशहाल बनाना और राज्य के माध्यम से देश को खुशहाल बनाना, यह जो लक्ष्य रखा है इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स दिए। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये अनेक ऐसे स्कीम्स हैं। आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है जिससे आप बीज खरीद सके, खाद खरीद सके और अपनी खुशहाली को आगे बढ़ा सके। मुझे प्रसन्नता है भारत सरकार के कदम में हमारी राज्य सरकार कदम से कदम मिलाकर के इस राज्य की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान के बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, किसान के को ठीक प्रकार से दवाई मिल सके, उसके बच्चों की पढ़ाई मिल सके, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स ले आए हैं। हमारे यहाँ पर मैंने देखा हमारी स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अपने प्रोडक्ट जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के इस बात को कहते हैं कि मिलेट्स की खेती का प्रचार करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मुझे खुशी है कि यहाँ स्वयं सहायता समूह की हमारी ये जो बहनें हैं मिलेट्स की तरफ भी बहुत, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मेरे सामने मुझे दिखाया, मैं उनको भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। अच्छा लगा कि मुझे कृषि विभाग में अनेक प्रकार के उनके प्रोत्साहन की योजनाएं भी बना रखी, उनको सम्मानित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अगर हम किसान खुशहाल, अगर हमें देश को खुशहाल, राज्य को खुशहाल करना है
हमें अपने गांव को खुशहाल रखना है, जनता को खुशहाल रखना है, तो कृषि हमारा सबसे बड़ी ताकत है। उसकी ताकत को बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में अनेक प्रकार के प्रयत्न, अनेक प्रकार की कोशिश हमारे स्तर पर हमारे राज्य में हो रहे हैं। मैं बहुत कुछ लंबा नहीं कह करके पानी में भी भींगते हुए आपके उत्साह को मैं बहुत नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और इतना ही कहना चाहूंगा, अंतमा तपाई सबै लाई विशेष गरी माननीय क्षेत्र विधायक अनि कृषि मंत्री जुलाई आज को यश अति नय राम्रो आयोजन को निम्न आभार व्यक्त गर्दा छु। हामी सबै मिलेर उन्नत सिक्किम लाई अझै उन्नतशील बनाउन लिप्ति कमर कसो हाम्रो पुर्खालय मानदै ल्याएको कृषि पद्धतिलाई साथ मिलेर अघि बढाऊ। विशेष नगरी युवा समुदायलाई यस परम्परालाई अघि बढाउने आग्रह गर्दछु। एक बात तो मैं और कहना चाहूंगा, मैं आ रहा था तो बीच में कुछ जगह में चाय पीने के लिए रुका था गेस्ट हाउस में। यहाँ उपस्थित समुदाय से कहना चाहूंगा, हमारे किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, उपस्थित यहाँ सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के भी क्षेत्र से अधिकारी गणित हैं और अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हमें जो चीज से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे राज्य को क्षति हो रही है, हमारा फ्यूचर बिगड़ रहा है, उनको रोकना और वो सबसे बड़ा दुखद है कि एक तरफ हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, यहाँ शिक्षा के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, कृषि के कल्याण के लिए, युवा के कल्याण के लिए, सभी क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ बाहरी ताकतें आपको मजबूत नहीं देखना चाहती। आपके को देख करके, आपकी समृद्धि को देख करके, आपके विकास को देख करके उनके मन में एक ईर्ष्या आती है। तो हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही है, उनको नशा की ओर प्रेरित किया जा रहा है, उनको ड्रग दिया जा रहा है और ये ड्रग से हमारा भविष्य बिगड़ रहा है।